जिना ओम कश्यप दिल दहला देने वाली तस्वीरें अब आप आज तक पर देखेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उस हादसे की जो आपको और हमें आगाह करती है कि सरकारों की लापरवाही कैसे आम लोगों की जिंदगी तबाह कर सकती है। तस्वीर आपके सामने है। इंजीनियरिंग के वो छात्र जो जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ब्यास नदी की लहरों ने कैसे हमेशा के लिए उस पर पूर्ण विराम लगा दिया। एक के बाद एक देखिए ये तस्वीरें हैं उन लोगों की। ऐसे बह गए हैं 24 छात्र। ब्यास नदी में अचानक पानी छोड़ा गया डैम की तरफ से, बिना किसी हुटर बिना किसी सावधानी के लिए लोगों को आगाह किए बगैर सरकार और वहां के प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही। बाहर निकली ना ये ब्लास्ट जैसे हुई, फिर मैंने सोचा ब्लास्ट हुई, फिर देखे ऊपर को तो फिर पानी पर रहे फिर अंदर घुसे, फिर तो दरवाजा बंद करके अंदर ही रहे। बच्चों को फोन किया पानी रुकाने दियो, तो जब रुका तब बाहर निकले। यहाँ खेती बाड़ी थी हमारे, सब कुछ वो करते थे, यहाँ पौधे वगैरह थे, सब कुछ यहीं तो रहते थे हम लोग, डंगर गाय खच्चर वगैरह यहीं पालते थे, यहीं काम वम खेती वगैरह पूरा था, यहाँ से खेती वगैरह थी। हमारा घर भी बह गए, जगह जमीन भी बह गए, यहाँ से कुछ भी नहीं रहा, कुछ नहीं, डंगर वगैरह खच्चर वगैरह सब हो गए, नुकसान हुआ यहाँ। तो ये जो हादसा हुआ है, ये जहाँ पे हम खड़े हैं रूपी बुरंग एरिया है, यहाँ पे कुछ लोग स्थानीय निवासी इसके पेनस्टॉक प्रोजेक्ट के पेनस्टॉक एरिया के इर्द गिर्द रहते थे। तो 18 नवंबर को जब ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस पेनस्टॉक का टेस्टिंग कर रही थी, तो रात 8:30 लगभग 8:30 बजे इस इनका पेनस्टॉक लाइन जो है ब्रस्ट हो गया। ब्रस्ट होने से यहाँ पे जो तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वो अभी तक लापता है, जिनके शव भी नहीं मिल पाए हैं, और लगभग सात लोग जो है इंजर्ड है। क्या हुआ जी, कंपनी की मेहरबानी से ये हो गया, आप देख रहे हालात। हमने क्या करना जी, हम तो यहाँ पर रहते थे ना, अब रहते हैं हम लोग, खेतीबाड़ी थी, अब खेतीबाड़ी करने के लायक और बस रहा ही कुछ नहीं, हम करेंगे क्या बताओ आप। जो 6 महीने यहाँ रहते हैं हम, 6 महीने ऊपर रहते हैं गाँव में, अब ये लोग क्या देंगे हमारे खेतीबाड़ी बना के, वो खेत देंगे लोग, अब पत्थरों के बीच रहेंगे हम लोग या पत्थर के बीच काटेंगे, फसल कहाँ तैयार करेंगे हम लोग। सबसे पहले उनको नीचे पावर हाउस वालों को पकड़ना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है, उनको नहीं पकड़ रहा अभी तक, कुछ भी इनसे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी से गलती होती है, हम मानते हैं गलती होती है, ठीक है जी, उसके बाद तो आना चाहिए ना यहाँ पे, कौन से साइड पे क्या हुआ कैसे हैं लोग, देखने तो आना चाहिए। तो पावर हाउस से वैसे ही भागे, जैसे ब्लास्ट हुआ उसके बाद SDM मैम आए, SDM लेडी होते हुए यहाँ पर आए, वो पावर हाउस से 40-50 लड़के थे, वो नहीं आ पाया, SDM भावानगर से आए यहाँ पर। जिस दिन ट्रायल करना था प्रोजेक्ट का, लोगों को इंटीमेट क्यों नहीं किया, इनके पास जो सायरन बाकायदा एक होता है लोगों को इंटीमेट करने के लिए गाड़ी होती है, ना उसकी व्यवस्था है, ना इनके पास एम्बुलेंस है, ना फायर की कोई गाड़ी है, सुरक्षा सेफ्टी पर्पस बिल्कुल जीरो है। तो इन सब को मद्देनज़र रखते इन कंपनी के साथ साथ कंपनी मैनेजमेंट के जो लोग यहाँ कार्य कर रहे थे, जिनको बावजूद पता होने के बावजूद भी इन्होंने ये किया, तो इन पर कार्य हो जाते हैं। कंपनी प्रबंधन को इस चीज़ के बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों ने पहले ही इंटीमेट किया था कि आपकी पाइपलाइन लीक कर रही है, इससे हमें खतरा है, लिखित तौर पर भी और समाचार पत्रों के माध्यम से भी, लेकिन कंपनी ने इन सबको नज़रअंदाज किया और जो करना था वो करती रही, जैसे पूर्व पहले से करते रह रही है। तो इस वजह से यहाँ के लोगों का हादसे का शिकार होना पड़ा। तो हम लोग चाहते हैं ये सब चीज़ों पे एक्शन हो, और एक कंपनी में जो भी जिस तरह की क्वालिटी इन्होंने पेनस्टॉक एरिया में यूज़ कर रखी है, इसकी भी जांच हो। I am a security head here. You can ask me for the security reason. For technical reasons,
वो इवन दी प्लांट जनरल मैनेजर दे विल नॉट बी एबल टू टेल यू व्हाट द रीजन की व्हाट हैपेंड इट मे बी द स्टील इशू दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि दिस हैपेंड हियर ओनली इट मे इट हैपेंड इन टू अदर प्लांट्स आल्सो व्हिच अदर प्लांट्स मिलाना अदर प्लेस लोकेशन बेस्ट आइडिया बेस्ट आंसर कैन बी गिवन बाई दी ओनली द फैसिलिटी who has okay. collected the data, who has collected the sample also. They will test in the laboratory and will tell you what's the reason for what happened. बता रहे हैं कि यहाँ पे पहले से लीकेज थोड़ा बहुत हो रही थी तो आपने लीकेज के बारे में इंटीमेट कर दिया था आपने लीकेज सारी बंद हो गई थी जो इस पेन स्टॉक को बनाया था वही कंपनी आई थी उसने सारा रिपेयर वगैरह कर दिया हुआ था तो हमारी एक ऑपरेशन हो चुकी थी मशीन मतलब कि लीकेज थी लेकिन आपने उसको एड्रेस कर दिया यहाँ पे नहीं थी लीकेज लीकेज ऊपर थी वो बंद हो रखी थी कोई लीकेज नहीं थी जब ये दोनों का चल रहा था हमारे दो यूनिट है 50-50 मेगावाट के तो 50 मेगावाट मैसेज ही है वो एक ऑलरेडी हमारा कमीशन हो रहा है लोग तो बता रहे थे कि न्यूज़पेपर में भी दिया था उन्होंने कि लीकेज हो रही है पेनस्टॉक में पहले से आपको वार्न कर दिया था लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ नहीं वार्न किया हुआ था किसी ने भी हमने आप लोगों ने आप तो सिक्योरिटी वाले हो आपने तो देखा होगा अगर कुछ वो एक्शन ले चुके थे ऑलरेडी हमारे को जी है वो उसका पूरे का रिपेयर हो चुका था पेनस्टॉक वगैरह पूरा रिपेयर हो चुका था देर वॉज नो लीकेज तो ये लास्ट मूवमेंट पे कैसे हो गया आई डोंट नो क्योंकि मैं छुट्टी पे था लास्ट में कैसे हो गया रात को तो फिर जाके जाए वो पता नहीं कैसे क्यों कैसे हो गया शुरू में यहाँ पर इन्होंने ज़बरदस्ती लैंड ली है मतलब यहाँ के लोगों की इसमें कोई वो नहीं थी रजामंदी नहीं थी ये जैसा चाहे अपने मर्जी से ले लेते थे और एक और मशीनें चला लेते थे प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो तब हमने पर्यावरण के बारे में इन्हें पहले से ही सचेत कराया था यहाँ पर अभी तक इन्होंने ना पेड़ पौधे लगाए ना ही यहाँ पर खड़के साथ जो उनके सेफ्टी के लिए नाले की सेफ्टी के लिए मिट्टी कटने से रोकने के लिए कोई कार्य प्रोटेक्शन कार्य था वो भी अभी तक कुछ नहीं किया हम मांग कर रहे हैं कि हमारे को यहाँ से सेफ जगह पे भेजा जाए ठीक है ये पूरा कंपनी ये देखिए मैम हमारे कोई कब्जा होने जा रहे हैं आप यहीं के यहीं हैं जहाँ पर इन्होंने ना हमारे लिए कोई जैसे हम पहले कॉन्क्रीट एक तरपाल दी थी इन्होंने जैसे तंबू लगाने टेंट लगाने के लिए टेंट से काम नहीं चलता क्योंकि यहाँ पे बर्फीला इलाका है सर्दी का मौसम है तो फिर इससे काम नहीं चलेगा हम बोल रहे हैं कि फिलहाल हमारे को टेंट रहने के लिए कहीं कॉन्क्रीट या होटल रेस्टोरेंट या कहीं भी प्रोवाइड कीजिए चाहे आप अपने जहाँ पे कॉलोनीज है वहाँ पे रख लीजिए कहीं भी रख लीजिए जितने भी इफेक्टेड लोग हैं तोरंग हाइड्रो परियोजना है इसका काम लगभग 8 सालों से कार्यरत है ये प्रोजेक्ट टोटली 600 करोड़ का प्रोजेक्ट था इस समय इसकी लागत कम से कम 1200-1300 करोड़ से ऊपर चले गई है और सबसे बड़ी बात है प्रोजेक्ट तो बंद होना चाहिए क्योंकि 600 करोड़ के प्रोजेक्ट में 1200 करोड़ हुआ है 1200 करोड़ जब लगा है उसके बावजूद भी इस तरह की क्वालिटी यूज़ हो रही है तो ये टोटली नेशन का लॉस लोगों का तो लॉस है नेशन का भी लॉस है तो इस पर जो इन पर मुकदमा दर्ज हो और कार्रवाई जल्दी से जल्दी हाइड्रो प्रोजेक्ट के बेस पे कोई यहाँ पर विकास ना करे यहाँ पर सड़क सुविधाएं इस तरह का विकास ठीक है किन्नौर के लिए विद्युत परियोजना से तो यहाँ पर कोई विकास नहीं होने वाला है हमारी यहाँ पर पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी हमारा विरासती ख़त्म होने के कगार पे इन प्रोजेक्टों को